मेरी शादी को अभी 3 दिन ही गुजरे थे, मेरे ससुर ने मुझे आवाज देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे पति के ने शादी के रात ही मुझे खास तौर पर कहा था कि मेरे पापा को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। और 3 दिन से मैं भी यही देख रही थी, जब भी वो मेरे पति अमित को एक आवाज देते तो मेरे पति की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती थी, एकदम से घबराहट सी होती थी उनको और फट से वो कमरे से बाहर निकल जाते थे। अपने पति की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रौब था, गुस्से में तो वो वाकई ही रहते थे। शादी के 3 दिन ही गुजरे थे, चौथे दिन था कि जब सुबह ही सुबह अमित ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे, मैं भी बहुत खुश थी कि लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने अमित को पुकारा था तो फौरन से कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, कह रहे थे कि 3 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए, तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए हो, अभी के अभी फैक्ट्री पहुंच, सारे के सारे वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसीलिए नहीं की थी कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहो, और अपनी पत्नी से भी कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभाल ले, यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नखरे उठाएगी। ये सुनकर तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, अभी 3 दिन ही हुए थे हमारी शादी को और इन 3 दिनों में मैं ही नाश्ता बनाकर दे रही थी जिस पर मेरे ससुर कई खामियां निकाल चुके थे, लेकिन अमित ने मुझे प्यार मोहब्बत से यही समझाया था कि पापा की बात का बुरा मत मानना। 3 दिन तो मैं इसी सोच में उलझी रही कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था मैं तो बहुत घबरा के रह गई थी। अमित जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था, कहने लगे कि माफी चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज नहीं किया था, अमित तो अपने फैक्ट्री पर चले गए थे। मैं किचन में आकर बेदिली से बर्तन धोने लगी। शादी के चौथे दिन ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे ससुर ने नौकरानी को भी जवाब दे दिया था, कहते थे कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज दी, वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई मैंने पूछा, जी पापा जी कुछ चाहिए था आपको? तो उन्होंने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब अंदाज से अपने सूखे होठों पर जबान फेरी, कहने लगे दूध 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 पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया था क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की ये हरकत अजीब लगी थी, ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटियों को सर से पांव तक इस तरीके से नहीं देखता। मैं फौरन ही किचन में आ गई, मेरा दिल जोर शोर से धड़क रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोला और दूध का ग्लास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से दूध खुद पर लपेट कर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का ग्लास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती मुझसे ससुर कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास बैठा करो, बात कर लिया करो, घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का ग्लास पकड़कर मुंह लगाया तो फौरन उसे पीछे हटा लिया, कहने लगे इतना ठंडा दूध ये मैं नहीं पी सकता।
मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नजरें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफर करने लगी। उनकी नजरों में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में पसीने से उतरने लगे थे, चेहरे पर पसीने के कतरे साफ दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना, इसे गर्म करके दो ना। मैंने दूध का ग्लास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 3 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे जब अमित घर में होता था, लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे वही ससुर हैं जो 3-4 दिन से अमित को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे और गुस्से से अमित से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर जरा सा गर्म किया, फिर गिलास में डालकर अपने ससुर के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट सा लगा था। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा, तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे कि अरे अरे, बाहर कहाँ जा रही है, यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का सांप तो मुझे अब और भी ज्यादा डसने लगा है। ये कहकर ससुर ने ठंडी आहें भरी। मुझे अब और भी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो लाल रंग का फैंसी ड्रेस पहना था ना, बड़ा जच रहा था तुम पर, आज शाम वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बुरा लगा था। ये फरमाइश तो अमित को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब अमित फैक्ट्री जाता, मेरा ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेता, मुझे अजीब नजरों से देखता, बार बार अपने सूखे होठों पर जबान फेरने लगता, फिर कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गर्म करके दो ना। मैं दूध का ग्लास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता, कहता, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी। मैं काम के बहाने बनाकर निकलने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोना है। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी, मुझे अमित से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वो तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक शब्द नहीं बोलता था, सर झुकाए जी पापा ही कहता रहता था। एक दिन मैं किचन का सारा काम कर रही थी कि मेरा ससुर अचानक से किचन में आ गया, मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया और पीछे से ही मेरी और फिर जो कुछ मेरे साथ किया। मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई, अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया था, कुंडी लगा दी। बेड पर बैठी हुई बेचैनी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी, मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा भी हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं अमित से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया था, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरा ससुर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा चुका था कि उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना दूं, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब कुछ करता जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर से खटखटाया गया था, अमित थे। कहने लगे, रवीना दरवाजा खोलो, ये क्या बदतमीजी है, क्यों तुम सुबह से दरवाजा बंद किए कमरे में बैठी हो। अमित की आवाज सुनकर ही मैंने दरवाजा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दोनों बाप बेटे मुझे गुस्से से देख रहे थे। कहने लगे, तुम्हें जरा भी एहसास और शर्म नहीं है रवीना, मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। इन्हें शुगर की बीमारी है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन होता। मैंने कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप कोई और इंतजाम कर लीजिए। मेरा ये कहना था कि अमित गुस्से से भड़क उठा, कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है। पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो तुम, अभी शनिवार शनिवार 7 दिन नहीं हुए हैं और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे पहले ही पता था कि ये लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती हैं और अलग होने के सपने
पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। मेरा पति कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कह दी है रवीना, आइंदा से अगर कहा तो हाथ में तलाक का पेपर पकड़ा कर तुम्हें यहाँ से विदा कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरे रंग उड़ गए थे। मेरे पापा पहले से ही 6 बेटियां थी और वो शरीफ इंसान थे। बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे विदा करने के वक्त बोल चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर वापस मत आना बेटा, अपने पति और ससुर की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें और बेबाकी गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त अमित जितने गुस्से में थे, मैं अगर बताती तो यकीनन मुझे ही झूठ कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, अमित इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बात करूंगा, उसके बाप से कहूंगा कि संभालो अपनी बेटी। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चले गए। मैंने एक गुस्से भरी नजर अपने ससुर पर डाली थी। अमित कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम्हारे सर पर कौन से 8-10 मेंबर का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता। अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है ना कोई बहन भाई। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं जहां उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश कि मेरी सास और देवर नंद होते तो आज मैं जिस हाल से गुजर रही हूँ उस हाल से ना गुजरती। मेरी बात पर वो मुझे गुस्से से देखने लगे, कहने लगे ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने, तुम्हारे सर पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वो भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो अपने घर में मैं झगड़ा फसाद नहीं किया जाता है, फैक्ट्री से मैं थक हारा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता, मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, ना कि ये फसाद झगड़ा देखने के लिए। मैंने कहा कि अमित ऐसा करो अपने पापा की शादी करवा दो। मेरा ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ अमित ने मेरे मुंह पर मारा, कहने लगे शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए, ये बाप की उम्र है शादी की, क्या मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई है जो तुम्हें पकाना भी भारी पड़ रहा है। मैंने कहा तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वो कहने लगा ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं, बेतुकी सी बात है, मेरे बाप की उम्र 65 साल है, कब्र में पांव है, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैं इन्हें क्या बताती कि उनका बाप उन्हें की ही बेटी की पत्नी पर नजर रखे हुए हैं। मैंने कहा कि आप शादी करवा दो, मैं आपके बाप और माँ दोनों का को संभाल लूंगी। मेरी बात पर वो अजीब सी हंसी हंसा और कहने लगा कि एक मेरे बाप की तो 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही और तुम मेरे सौतेली माँ को संभालोगी। देखो ये घर और बिजनेस फैक्ट्री सब मेरे बाप के नाम है, अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आ गई ना तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मार कर निकाल देगी इस घर से। पापा के गुस्से को तो तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो, जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं भी चुपचाप पापा की सुनता हूँ, अब दोबारा से पापा की शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया था। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं, अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाक शुदा हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी, दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से अमित की आवाज आ गई, कहने लगा रवीना बाहर आओ, जल्दी से नाश्ता पराठा बनाकर दो, पापा को बाजार का खाना हजम नहीं होता है। मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, लेकिन अमित ने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा तुम भी तो पूरे दिन से भूखी हो, खाना खा लो।
मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। अमित का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने होठ बंद कर लिए थे। अमित जब फैक्ट्री चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाज़ देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी में और बेबसी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वो अजीब सी हंसी हंसने लगा। तुम क्या समझती थी, तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारे लिए वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर ले देगा। अपनी सोच को बदल लो रवीना, तो बेहतर है। मैंने उसके पर अच्छी तरह से कतर रखे हैं। वो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो। इसीलिए मैंने किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की कि कहीं वो मेरे बेटे को उड़ाकर ही न ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर पर बैठा सके या अलग से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगे, जाओ जाकर मेरे लिए गरम गरम दूध लेकर आओ। ये शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। ऐसी गंदी और बेइज्जत भरी जिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अब यही करती थी कि खाना पीना अपने ससुर के कमरे में पहुंचा कर फौरन बाहर आ जाती थी। न उनके पास बैठती थी न बात करती थी, ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने अमित का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे, मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी उस दिन बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मजे का खाना बनाया है। अमित ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे गर्व भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर जेब से मेरे ससुर ने 3,000 निकाला और मेरे तरफ बढ़ाया, कहने लगा, ये लो तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे इनकार करना था कि अमित मुझे घूरने लगा, कहने लगा, पापा अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, इनकार नहीं करते, रख लो। ना चाहते हुए भी मैंने 3,000 पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई तो मेरा ससुर भी खड़ा हो गया, मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे माथे पर भी चूम लिया। मैं तो यूं थी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। कहने लगा, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ, ऐसे ही रहोगे तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं अमित को देख रही थी जिसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था, लेकिन मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि पापा का ये कौन सा तरीका है, मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, उनको चाहिए मुझसे दूरी रखकर बात किया करें, उनका क्या हक बनता है मुझे अपने सीने से लगाने का। ईश्वर ने भी तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी को भी दूरी रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे में भी। मेरी इस बात पर अमित भड़क उठे, कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है, क्या हुआ जो उसने तुम्हें जरा सा हाथ लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया। अजीब लड़की हो तुम, बजाय इसके कि पापा के दिल में जगह बनाओ तुम हर बात पर एतराज करती रहती हो। वो धीमे लहजे में मुझे गुर्रा कर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो कि पापा ने ये बातें नहीं सुन ली, वरना बहुत ही मुसीबत बढ़ जाती मेरे सर पर। फिर उंगली उठाकर मुझे चेतावनी देने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ रवीना, अपना रवैया पापा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अमित मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, ऐसा करो मुझे जहर लाकर दे दो या अपने बाप की शादी करवा दो। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही बाहर डोर बेल बजी थी। फिर बाहर शोर शराबे की आवाजें आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो सऊदी में एजुकेशन हासिल करने गया था और वो वापस आ चुका है, वो भी अपनी पत्नी के साथ। मेरे देवर ने वहीं शादी कर ली थी और मेरे ससुर उससे नाराज था।
इसीलिए उसे घर आने की इजाजत नहीं दी थी और ना ही इस बात का हमें कुछ मालूम था कि अमित का कोई भाई भी है। मैं उन दोनों पति पत्नी को देखकर हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी गुस्से में खड़े थे, कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर उसे यहाँ वापस क्यों लाई हो, वहीं रहते। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। फिर अमित ने भी कहा कि पापा गुस्सा जाने दीजिए, जो होना था वो हो चुका है, कमलेश को गले लगा लीजिए। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी, काफी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भी शुक्र किया कि अब घर में मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी देवरानी काफी खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। कमलेश अमित के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर का ध्यान अब मुझसे हटकर देवरानी की तरफ हो गया था। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई, कहने लगी, ठीक है पापा, आपको जो भी चाहिए होगा आप मुझसे मांगा करें। कमलेश भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ दिन गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी जया जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगी, मुझे पापा की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं, अजीब नजरों से देखते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी झटके से गले लगा लेते हैं, कभी अपना अजीब सी बातें करते हैं जिसे सुनकर मेरी कानों की लौ तक लाल हो जाती है। कहने लगी, मैं तो कमलेश से बात करूंगी, वो तो कहते थे कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर मुझे अपने करीब करते हैं, मुझे अपने पास लेने की कोशिश करते हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन अमित ने मेरी कभी नहीं सुनी। वो कहने लगी, मैं तो लेकिन कमलेश से साफ कह दूंगी, अगर पापा ने ये रवैया रखा तो मैं उसे कहूंगी कि अलग घर ले। वही झगड़ा फिर से शुरू हुआ था जो कि मेरे और अमित के बीच हो रहा था। कमलेश कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाहर देश अकेले ही रह चुका हूँ, अब मेरे घर तुम क्या आई हो? 4 दिन पापा को रोटी क्या बनाकर देनी पड़ी? तुमने तो एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई थी जो अमित के मेरे साथ होती थी। जया डाइवोर्स मांगने लगी थी। उस रात अमित जब कमरे में आया तो काफी चुप चुप सा था। मैंने कहा कि अमित, अभी भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे पापा से थी वही आज जया को भी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पापा भी गलत है ना? मैं आपसे सच कह रही हूँ, इन्हें एक पत्नी की जरूरत है, बेशक उनकी उम्र 65 साल की है। आपको तो चाहिए था कि अपनी मम्मी की मृत्यु के कुछ साल बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वो हम बहुओं को सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब अमित के अकल में आई थी। एक बार उन्होंने पापा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वो नाराज हुए, कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूंगा क्या? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अमित ने कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वो औरत भी 40-50 साल की है और भाइयों के रहमो करम पर बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। पहले तो पापा ने नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। कुछ दिन में ही उससे मेरे ससुर की शादी हो गई थी और इससे ये फर्क पड़ा कि घर का माहौल काफी हद तक बेहतर हो चुका था। अमित अब मुझसे खुद कहते थे कि तुम ठीक कह रही थी, पापा को एक पत्नी की ही जरूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नजरें हम पर बेबाक सी नहीं उठती थी। हमारे समाज में ये चीज भी बहुत आम है दोस्तों, कि अगर बाप की उम्र ज्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती, और जिसकी वजह से ही ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहुओं को करना पड़ता है, जैसे कि मुझे और जया को करना पड़ा था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।